सैम बहादुर यानी सैम उमर्स जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानकसो, हम सैम मानकसो भी कहते हैं, जिनके ऊपर विक्की कौशल सैम बहादुर नाम की फिल्म लेके आए। सैम मानकसो भारत के सातवें थल सेना अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में ही भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़कर वर्तमान बांग्लादेश का निर्माण किया गया। सैम मानकसो का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक फारसी परिवार में हुआ। देहरादून के इंडियन मिलिट्री अकेडमी के पहले बैच 1932 के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। 1934 में सैम मानकसो भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1947 अप्रैल 1939 को उन्होंने अपनी दोस्त सेलो बोर्डे से विवाह कर लिया। 1949 से 1945 के मध्य चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने रेजिमेंट कैप्टन के तौर पर बर्मा वर्तमान म्यांमार की लड़ाई में भाग लिया, जहां पर वे जापानियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। समाप्ति पर उन्हें स्टॉप ऑफिसर बनाकर जापानियों के आत्मसमर्पण के लिए इंडो चाइना भेजा गया। उन्होंने लगभग 10,000 युद्ध बंदियों के पुनर्वास में अपना योगदान दिया। नागालैंड की समस्या को सुलझाने के अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1970 में वे सातवें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। 1971 का युद्ध रहा, जिसमें उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 22 जून 2008 को 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन।